सो हे गाइस, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक अ न्यू वीडियो। दोस्तों आप सब कैसे हो? उम्मीद सबके सब बहुत ही अच्छे हो गए। दोस्तों आज की वीडियो को बताते हुए, आज की वीडियो को शूट करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। आज तक मैंने जितनी वीडियो अपलोड करी किसी में मुझे इतनी खुशी नहीं हुई, लेकिन आज की वीडियो को अपलोड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज की वीडियो को मैं शूट कराऊँ तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जैसा कि आप सभी ने दोस्तों अभी थंबनेल ने मेरा देख ही लिया होगा कि आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। आज मैंने अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिया है दोस्तों बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। आज मैंने अपना 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट किया है। कैसे क्या मैंने प्रोसेस किया, कितना मेरा सब्सक्राइबर है, कितना मेरा वॉच टाइम अभी कंप्लीट हुआ है, चैनल मोनेटाइज होने में कितना टाइम अभी बाकी है, मुझे कम्युनिटी टैब मिल गया है और मुझे माइलस्टोन भी मिला है, कितना मेरा व्यूज आया है, सारा कुछ मैं आपको अभी लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको अभी लास्ट में ये भी बताऊँगा कि क्या स्ट्रेटजी रही मेरी इस यूट्यूब चैनल के पीछे, क्योंकि मैंने आज 1K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट किया और समथिंग मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट होने वाला है। मैं अगले 10 से 15 20 दिनों के अंदर अपना यूट्यूब चैनल मेरा अंडर रिव्यू में चला जाएगा और विद इन 1 मंथ के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो क्या प्रोसेस रहा, कैसे क्या मैंने किया, सारा मैं आपको A to Z आज की वीडियो में डिटेल से बता दूंगा दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जैसे कि अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जैसा कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मुझे YT स्टूडियो की तरफ से मुझे जो एक माइलस्टोन दिया गया वो दिया गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर चैनल जस्ट हिट इट्स फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स। और मैं साथ ही में आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि ये देखिएगा, मेरे यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं जो कि 2564 घंटे का मेरा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो चुका है। और ये इस बचे हुए वॉच टाइम को मैं बहुत ही जल्दी इस मंथ में भी पूरा करने जा रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये देखिएगा, मैंने यहाँ पर देखिएगा मेरे चैनल के ऊपर अभी कितना 59436 व्यूज ही है। दोस्तों आपने देखा होगा कि लोगों के पास में जब लोगों का 2000 घंटे का व्यूज टाइम हो पाता है तब तक उनके चैनल के ऊपर 2-3 लाख व्यूज उनके चैनल पर आ चुके होते हैं, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर अभी आज तक सिर्फ 59436 व्यूज ही आए हैं और मेरा तकरीबन 2500-2600 घंटे का वॉच टाइम कम्प्लीट हो चुका है और मेरे सब्सक्राइबर भी कम्प्लीट हो चुके हैं। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी रहा, सारा कुछ मैं आपको आज की वीडियो में A to Z बताने वाला हूँ दोस्तों मुझे याद है आज से कुछ टाइम पहले मैंने जब अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सबसे पहला वीडियो अपलोड किया था तो मुझे याद है पूरे दिन में सिर्फ 3 व्यूज आए थे, सिर्फ 3 लोगों ने मेरी वीडियो को क्लिक करके उसको वॉच किया था। दोस्तों इतना डिमोटिवेट हुआ था कि मैं क्या बताऊँ आपको, मन नहीं करता था, बस यही सोचता था कि ये सब यूट्यूब वीडियोस बनाना ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये सब तुम्हारे लिए काम नहीं है, ये सब दूसरे लोगों का काम होता है। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ आई कि नहीं अभिषेक अभी करना है, अभी दूसरा वीडियो देते हैं फिर देखते हैं। फिर मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की तो उसमें मेरे 5 व्यूज आए, तो अंदर थोड़ा खुशी हुआ कि यार पहला दिन था 3 ही आए थे, आज 5 आ गए, चौथे के आगे बढ़ते जाएंगे। और फिर मैं तीसरे दिन जैसे वीडियो अपलोड किया तो फिर मेरी वीडियोज़ पर सिर्फ 2 ही व्यूज़ आए। दोस्तों तब बिल्कुल अंदर से दिल टूट चुका था कि किसी ना किसी तरीके से वो पिछले एक वीडियो में 3 व्यूज, दूसरी वीडियो पे 5 व्यूज आ गए, लेकिन अब तुम्हारे चैनल पे व्यूज नहीं आने वाले हैं, ये सब तुम्हारा काम नहीं है। तो उधर ही मैंने जब सब्सक्राइबर अपना चेक किया तो 0 का 0 सब्सक्राइबर। दोस्तों आज इस वीडियो को चलते हुए आप देख रहे हैं तो उसके नीचे वहाँ पर मेरे चैनल के नाम के नीचे वहाँ पे 1K सब्सक्राइबर लिखा होगा, लेकिन यहीं पर दोस्तों 0 सब्सक्राइबर लिखा था। मुझे हाइड करना भी नहीं आता था कि कैसे सब्सक्राइबर को हाइड किया जाता है, लेकिन फाइनली मैंने क्या किया, फिर मैंने सोचा कि ठीक है देखता हूँ अभी। फिर मैंने क्या किया, अपने YouTube चैनल का लिंक अपने रिलेटिव में अपने दोस्तों को शेयर किया, सोचा कि ये लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो शायद मेरा व्यूज़ आ जाएंगे। तो मैंने ऐसा करके 15 से 20 सब्सक्राइबर अपने बढ़ा लिए, लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आए, क्योंकि व्यूज़ कब आता है, जब सब्सक्राइब करने से क्या होता है भाई, चैनल पे अगर वीडियो अपने अपलोड की कोई वॉच करेगा तभी तो व्यूज़ आएगा, चैनल सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता है। देखिए आपके रिलेटिव में आपके दोस्तों में एक चीज़ होती है कि वो आपसे इंटरेस्ट लेते हैं, आपने उनको बताया कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है वो एक वीडियो तो लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और दूसरी वीडियो भी लाइक कर देंगे, लेकिन उनका धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। तो वो लोग जब आपके चैनल पर परमानेंट नहीं रहेंगे तो व्यूज कहाँ से आएंगे। लेकिन फिर मैंने क्या किया, मुझे लगा कि यार अब कैसे क्या किया जाए, कैसे अपना यूट्यूब चैनल बढ़ाया जाए, कैसे वीडियो अपलोड की जाए, क्या किया जाए, व्यूज भी नहीं आ रहे हैं, किस टॉपिक को वीडियो दें, क्या टॉपिक चेंज करना चाहिए। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च करना स्टार्ट किया कि हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, हाउ टू इंक्रीज योर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर, तो मुझे वहाँ पर एक स्ट्रेटजी समझ में आई कि सब फॉर सब,
कि जाओ भाई सब फॉर सब करना स्टार्ट करो, आपके भी सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा दोस्तों, सब फॉर सब से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि सब फॉर सब करने से क्या होता है कि आप दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब करते हो और सामने वाला आपके चैनल को सब्सक्राइब करता है, लेकिन ना ही तो आप उसके वीडियो से इंटरेस्ट रखते हो, ना ही तो वो आपकी वीडियो से इंटरेस्ट रखता है। तो ऐसे में आप सिर्फ चैनल कितना सब्सक्राइब करवा लोगे, सब फॉर सब से कुछ नहीं होता है। तो मैंने भी तकरीबन 15 से 20 तो रिलेटिव और दोस्तों की हेल्प से कर लिए थे, और सब फॉर सब की दम पर मैंने 40 से 50 सब्सक्राइबर तक कर लिए। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर अभिषेक तुम्हें वाकई में YouTube चैनल चलाना है तो अपने कंटेंट और अपने टॉपिक और अपनी क्वालिटी पर ध्यान दो। हो सकता है आपका चैनल भी ग्रो कर जाए और आपका मोनेटाइजेशन भी ऑन होगा और आपका चैनल भी आगे बढ़ेगा। तो फिर मैंने वहाँ से स्टार्ट किया अपने चैनल के ऊपर वीडियोज अपलोड करना। भूल गया सब्सक्राइबर, बिल्कुल मैंने मुड़ के देखना बंद कर दिया कि चैनल का कोई सब्सक्राइबर भी होता है। सिर्फ वीडियो और वीडियो का कंटेंट, वीडियो की क्वालिटी, हर एक चीज़ में वीडियो के ऊपर ध्यान देता गया धीरे धीरे करके। कल की डेट में मुझे शाम को मैंने देखा कि मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका था। दोस्तों देख के बहुत ही खुशी मिली कि आज मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, और मैंने जैसा देखा कि मेरा वॉच टाइम भी लगभग 2600 घंटे के तकरीबन हो चुका। तो मुझे ये विश्वास है कि मैं इसी मंथ के अंदर मैं अपना YouTube चैनल मोनेटाइज इनेबल करवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दूंगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, दोस्तों अगर आप भी एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं, आपका भी सपना है कि आपका भी एक अच्छा चैनल हो, आपके भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हों, तो दोस्तों आप आज ही से स्टार्ट करिएगा। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, पीछे मुड़ के मत देखना, वीडियो पे वीडियो अपलोड करते रहना, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसा कि आज मेरा 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, मुझे उम्मीद है, मुझे आप सब पे विश्वास है कि दोस्तों बहुत ही जल्दी इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरा 1,00,000 सब्सक्राइबर ही कम्प्लीट होगा, और मुझे भी यहाँ से बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मेरा वॉच टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया, व्यूज़ भी बहुत कम, सब्सक्राइबर 1K हो गए, वो सब स्टडी सिर्फ एक ही रही उसके पीछे कि मैं अपने कंटेंट पे ध्यान देता गया, ना कि सब्सक्राइबर पे और ना कि लोगों की बातों पर। मैं सिर्फ व्यूज़ पे ध्यान देता गया, अपने कंटेंट पे ध्यान देता गया, अपनी वीडियो पे ध्यान देता गया, वीडियो अपलोड करता गया। आज मेरा यूट्यूब चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कम्प्लीट हो चुका है। आफ्टर सम टाइम 2-4-5 दिन के बाद में मेरा कम्युनिटी टैब भी स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो चाहिए, क्या चाहिए, हर एक चीज़ आप मुझे बताएंगे, उसी हिसाब से चलेगा। दोस्तों ये बेसिकली यूट्यूब चैनल मेरा नहीं है, ये आप सबका है, यहाँ पे आप सबका सपोर्ट है, आप सबकी यहाँ पे मेहनत लगी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही कोई मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ फिर से न्यू अर्निंग एप्लीकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।